जी चलिए, स्वागत है आपका आज के इस ऑडियो लेक्चर में। और आज का जो ऑडियो लेक्चर है, इसमें मैंने जो है एक छोटा सा एक कलेक्शन है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं, और मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेज अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। फिर से जरा एक बार क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का नाम है हु सेज अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम भी है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने कहा था अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, हु रोट दीज लाइन्स। हु रोट दीज लाइन्स, लाइन्स लिखी हुई हैं, बट आई हैव टू प्रोमिस टू कीप बट आई हैव टू प्रोमिस टू कीप सॉरी बट आई हैव टू प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये पंक्तियां किसने लिखी है? तो इसका आंसर भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका भी सेम आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि विच वन इज द ग्रेट पैट्रियोटिक पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ग्रेट पैट्रियोटिक पोयम कौन सी है? तो इसका सिंपल सा आंसर है द गिफ्ट आउट राइट। द गिफ्ट आउट राइट एक पोयम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और ये पोयम इसकी जो थीम है या इसमें जो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो पैट्रियोटिक है। क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं, हु कैन बी रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन 90s and 20s। हु कैन बी रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन 90s and 20s। सिंपल सा आंसर है विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स, डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स से संबंधित अगर हम अगला क्वेश्चन भी करें तो हम कह सकते हैं कि इनको नेशनल पोइट ऑफ आयरलैंड के रूप में भी जाना जाता है, कि नेशनल पोइट ऑफ आयरलैंड कौन है? तो नाम आता है डब्ल्यू बी ईट्स का। जी अगली क्वेश्चन की बात करें तो आर के नारायण नारायण इज फेमस फॉर हिज, कि आर के नारायण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंपल सा आंसर है नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, एक शीर्षक है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इज रिटन बाय, कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसके द्वारा लिखी गई है? सिंपल सा आंसर है T.S. Eliot। T.S. Eliot ने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है W.B. Yeats, विलियम बटलर ईट्स रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, डब्ल्यू बी ईट्स को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था? सिंपल सा आंसर है 1923, 1923 में डब्ल्यू बी ईट्स को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु क्वाइंड द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी, हु क्वाइंड द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी, की नेगेटिव कैपेबिलिटी नामक का जो फ्रेज है इसको किसने क्वाइंड किया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी जो फ्रेज है इसको क्वाइंड किया था। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, कि मॉडर्न ड्रामा के शेक्सपियर किसे किसे कहा जाता है? T.S. Eliot इसका आंसर है। T.S. Eliot को जो है मॉडर्न ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन रोट हिज इन मेमोरियम, इन द मेमोरी ऑफ, कि इन मेमोरियम एक पोयम है, इसको हम हिंदी में कहें तो स्मृति में इसका अनुवाद होगा स्मृति में। टेनिसन रोट हिज इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ ए एच हलाम। ए एच हलाम उनके कोई फ्रेंड थे जिनकी याद में उन्होंने इन मेमोरियम नामक एक एलिजी लिखी थी, एक एलिजी है इन मेमोरियम। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, हुज पेन नेम इज अल्फा ऑफ द प्लॉ, कि अल्फा ऑफ द प्लॉ किसका पेन नेम था या किसका उपनाम था अल्फा ऑफ द प्लॉ? सिंपल सा आंसर है A.G. Gardiner। A.G. Gardiner को अल्फा ऑफ द प्लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु रोट माई स्टोरी, एक ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी की, माई स्टोरी नामक ऑटोबायोग्राफी किसकी है? आंसर है कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन द इन्विटेशंस, द इन्विटेशंस नामक की जो रचना है इसको किसने लिखा है? आंसर है कमला दास। अगला क्वेश्चन आर के नारायण वॉज अवार्डेड पद्म भूषणा,
इन द ईयर कि आर के नारायण को पद्म भूषण कब दिया गया था, पद्म भूषण कब दिया गया था? आंसर है 1964 में, 1964 में आर के नारायण को पद्म भूषण दिया गया था। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस, और आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बात पे बात करी। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट नेक्स्ट ऑडियो में एक जो है एक नेक्स्ट कोई पोयम या कोई अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स।